फ्रेंड्स वेलकम टू माय टुडे स्टूडियो। सो टुडे आई विल डू द चैप्टर नंबर 9 लाइंस एंड एंगल मेंटल मैथ्स ऑफ मैथ्स 8 इंडियन लर्निंग बुक 7th रिवाइज एडिशन। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। ओके सो फ्रेंड्स अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसमें अगर दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट की जाए एक ट्रांसवर्सल से जो उनका पेयर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वो क्या होगा सप्लीमेंट्री। एस यू डबल पी एल ई एम ई एन टी ए आर वाई सप्लीमेंट्री एंड एंगल मेजर्स 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द एंगल्स आर। सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 एक तो हम ले लेंगे 5x। देखो यहाँ पर एक हम ले लेंगे x, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 90 डिग्री के। सो अब 6x हो जाएगा 90 डिग्री का। सो x कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 6 जो कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा अगर हम 90 डिग्री को 6 के साथ करें। सो हमारा आंसर आ जाएगा 15। सो फर्स्ट है 15 डिग्री। सो अब हमने कर देना है 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई जो कि आ जाएगा 75। सो फर्स्ट है 15 डिग्री एंड दूसरा है 75 डिग्री। सो एक एंगल मेजर करते हैं 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सो हम एंगल्स वो कौन से है यानी 5x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री जो कि आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x कितना हो जाएगा x हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 6 जो कि आ जाएगा 30 डिग्री। सो ये स्मॉलर एंगल 5x फाइंड करने के लिए हमें 5 मल्टीप्लाई 30 करना पड़ेगा जो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। सो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा एंगल है वो कितना आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री एंड जो हमारा सेकंड है वो आ जाएगा 150 डिग्री। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:8। तो वो 2:8 की रेशियो में है सप्लीमेंट्री एंगल्स है यानी 180 डिग्री वाले। सो 2x कह सकते हैं हम उन दोनों को। ये 2x एंड ये है 8x। सो ये दोनों मिलकर हो जाते हैं 180 डिग्री के। सो 10x हो जाएंगे 180 डिग्री के यानी 18 आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 18 डिग्री। बट हमने 2x फाइंड किया सो 36 डिग्री आ चुका है एंड दूसरा हमने फाइंड किया 8x सो कितना देगा 8 मल्टीप्लाई 18 करके देख लेते हैं 8 8 जो 64 8 8 8 + 6 14 144। सो दूसरा है 144 डिग्री। अब टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इस रेशियो में 5:4 में। सो ये भी हम कर लेते हैं 5x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो यानी जो अब देखो ये आ जाएगा 9 90 अपॉन 9 10 आ जाएगा। सो अब x तो आ चुका है 10 अब हमने 5x फाइंड करना है सो वो आ जाएगा 50 डिग्री एंड हमने 4x फाइंड करना है वो आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 50 डिग्री एंड यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री। दो एंगल्स जो कि एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:5 द लार्जर एंगल क्या होगा। सो वो है 180 डिग्री के होते हैं लीनियर पेयर वाले x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अपॉन 6 हो जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। सो इसका आंसर है वेट वो तो हमारा 1:5 वाला आया था अब हमने 5 वाला फाइंड करना है जो कि आ जाएगा 150 डिग्री। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन इज राइट एंगल। फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। देखो यहाँ पर अब हमने क्या करने ये तीनों 180 डिग्री के हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं ये है 60 एंड ये है 25।
60 में अगर हम 25 प्लस करें सो हमारा आंसर आ जाएगा 85। अब देखो 85 अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर दें सो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 95 डिग्री। देखो 95 डिग्री आने के बाद अब ये जो दोनों हैं ये दोनों एंगल्स मिलके मेजर करते हैं जेड की तरफ। सो 95 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, वो देगा हमारा या हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले वाई फाइंड कर लें। वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है एंड यहाँ पर भी 25 डिग्री एंड इसका एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। सो सबसे पहले हम 95 डिग्री 60 डिग्री एंड वाई को सभी को प्लस कर देते हैं। 95 डिग्री प्लस 60 कितना हो जाएगा, वो देगा हमारा 155 डिग्री एंड 180 डिग्री में से अगर हम 155 डिग्री माइनस कर दें सो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा कट, वेट यहीं पर ही 7 आ चुका है सो 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। सो 25 डिग्री का आ जाएगा वाई। सो अब जेड फाइंड करने के लिए हमें 180 डिग्री में से 25 करने पड़ेंगे जो कि आ जाएगा 155 डिग्री। सो अब हमने नेक्स्ट करना है, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इट्स मैग्नीट्यूड इज, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 45 डिग्री। एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके सो फ्रेंड्स आज की वीडियो का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं आपसे बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।